तो आज है संडे, संडे के दिन आपके सवाल और मेरे जवाब। अगर आपको नेक्स्ट क्यूएनए के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसी वीडियो के नीचे आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने जो पिक किए। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे अपन हिमाद्री योगेश का। भाई का कहना ये है कि अभी जो है फ्लिपकार्ट पे आईफोन हमको 78,000 रुपीस में मिल रहा है, अगर हम कार्ड लगाते हैं तो 72,000 रुपीस में हमको मिल जाएगा। तो आईफोन 13 जब आएगा तो हमको कार्ड के बाद कितने में मिलेगा और विदाउट कार्ड लगा के कितने में मिलेगा? तो अक्टूबर में आपको बिग बिलियन डे सेल में 60,000 रुपीस में 64GB आईफोन 12 वो आपको कार्ड लगा के होगा 6,000 ऑफ करके 60,000 रुपीस में मिलेगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं लगाएंगे तो 66,000 रुपीस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन स्वप्निल निखेज का। भाई का क्वेश्चन ये है कि आईफोन 12 की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बैटरी की वो कितना होता है? देखिए भाई, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है 5-6,000 रुपीस के आसपास होता है, लेकिन मैं जो डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ आईफोन 7 से लेके आईफोन 12 प्रो मैक्स तक बैटरी कॉस्ट कितना होता है रिप्लेसमेंट का, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है ये जो चीज़ है मैं एप्पल स्टोर पर जाके पता करूँगा। तो अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जाके जो है इसके बारे में पूछ के आपके डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन सक्षम का। भाई पूछ रहे हैं कि इनका फर्स्ट आईफोन है, क्या इनको आईफोन 11 लेना चाहिए या आईफोन 12 लेना चाहिए, और जो 15-20,000 रुपए एक्स्ट्रा है उसके हिसाब से आईफोन 12 क्या इंप्रूवमेंट उसमें हमको देखने के लिए मिलता है? देखिए भाई, उतना कुछ खास जो है आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा दोनों आईफोन में। मानता हूं कि थोड़ा बहुत कैमरास में इंप्रूवमेंट है, आईफोन 11 का जो रियर कैमरा है वाइड एंगल उसमें आपको नाइट मोड मिलता है, लेकिन आईफोन 12 के जो तीनों कैमरास है, बैक के दो कैमरा और फ्रंट में जो कैमरा है, तीनों में आपको नाइट मोड मिल जाता है। और एक जनरेशन का प्रोसेसर आगे है, जैसे कि आईफोन 11 में आपको A13 बायोनिक चिप मिलती है और आईफोन 12 में आपको A14 बायोनिक चिप मिलती है। उतना कुछ खास तो नहीं है दोस्तों, डे टू डे लाइफ में आपको इतना जो है फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, और बैटरी थोड़ी बहुत आपको जो है नीचे ऊपर 1-1.5 घंटे की आपको जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से आप आईफोन 11 लेके अपने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करने की सोच रहे 5 साल 6 साल 4 साल तो आप आईफोन 12 के लिए जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें हमको 5G देखने के लिए मिलता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन अरमनजीत सिंह का। भाई पूछ रहे कि आईफोन 11 और आईफोन 12 मिनी विच वन शुड आई बाय? देखिए भाई, अगर आपको बैटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीन साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गेमिंग वगैरह नहीं करते, फिल्म्स वगैरह नहीं देखते, तो उस टाइम आप आईफोन 12 मिनी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है गेमिंग वगैरह करना है तो आईफोन 11 बेस्ट रहेगा, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है आपको गेमिंग वगैरह करने में। लेकिन अगर आपको गेमिंग इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम पर आप और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आईफोन 12 ले सकते हैं, जो कि 5G फोन है, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी इंपॉर्टेंट नहीं, गेमिंग आप नहीं करते, तो उस टाइम जो है क्यूट सा फोन आईफोन 12 मिनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन ओम पांडे का। भाई पूछ रहे कि भाई 5G आएगा तो 4G नहीं चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा भाई, अभी 3G चल रहा है, आप सबको मालूम 4G चल रहा है, तो 3G भी जो है काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जब 5G आएगा तो 4G भी आराम से चलेगा, 5G भी चलेगा। जो लोग जिसका फ़ोन 5G सपोर्ट करता है वो 5G यूज़ करेगा, जिसका फ़ोन 4G ही सपोर्ट करेगा तो वो जो है 4G ही फोन जो भी सिम है वो यूज़ करेगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन अमन का। भाई पूछ रहे कि इनको जो है इंपोर्टेड आईफोन मिल रहा है आईफोन 12 प्रो 85,000 रुपीस में, क्या उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और उनको एप्पल की 1 ईयर की वारंटी भी मिल रही है? डेफिनेटली आप ले सकते हैं, इंपोर्टेड आईफोन्स भी काफ़ी सारे लोग परचेस करते हैं और अच्छे भी आईफोन्स होते हैं। अगर आपको इतनी अच्छी डील मिल रहा है तो आप जो है डेफिनेटली ये फोन ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन सुकमल नाथ का। भाई पूछ रहे कि अक्टूबर में आईफोन 11 लेना चाहिए या नहीं, 5G मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे 2 साल तक जो है यूज करना है। डेफिनेटली आप ले सकते हैं, 40,000 रुपये में बेस्ट आईफोन है, वैल्यू फॉर मनी है, 2 साल तक नहीं आराम से 3 साल तक आप उस फोन को यूज कर सकते हैं। जब तक जो है 5G आएगा तब उसको बेच दो, और आईफोन 12 का प्राइस ड्रॉप होता है, आईफोन 13 का प्राइस ड्रॉप होता है, तो उस टाइम आप जो है 5G फोन ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन रोतुराज छवन का। भाई पूछ रहे कि आईफोन परचेस करने के बाद आईफोन को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए वीडियो बनाओ, और एसेसरीज भी कौन सी चाहिए पड़ती है आफ्टर परचेज। इनका कहने का मतलब ये है कि आईफोन परचेस करने के बाद में क्या क्या एसेसरी हमको परचेस करनी पड़ती है और उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपको जो है बेस्ट केस लेना चाहिए, बेस्ट टेम्पर ग्लास लेना चाहिए। एसेसरीज की मैं बात करूँ तो अभी जो हमको चार्जर नहीं मिल रहा उसके लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो ये एक आपको एसेसरीज। अगर आपको एयरपॉड्स परचेस करना है तो एयरपॉड्स पे परचेस कर सकते हैं, नहीं बोले तो आप जो है जो नॉर्मल वायर्ड वाले आते हैं एयरपॉड्स वो भी आप परचेस करते हैं, जिसका कॉस्ट है 2,500। तो अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए जो कि स्पिगन कंपनी के आते, थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर इसको यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन योगेश का। भाई पूछ रहे कि आईफोन 11 सेकेंड हैंड मिल जाएगा क्या? आई वॉन्ट टू बाई 64 128GB स्टोरेज।
तो देखिए भाई 128GB लेना अब इम्पॉर्टेंट हो गया है 2021 के अंदर अगर आप फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हो तो। और सेकंड हैंड तो आपको आईफोन 11 कहीं भी मिल जाएगा, OLX वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हैं या तो अपने फ्रेंड्स और अपने जो एरिया से उसके अंदर जाके जो आप पूछ सकते हैं। और इससे OLX से रिलेटेड 3 वीडियोस आने वाली है, मैंने काफ़ी दिन पहले बताया था लेकिन उसकी जो है अभी वीडियो मैं नहीं बनाया तो इस वीक में शायद देने की कोशिश करूंगा। और मार्वल्स के जो स्टोर के जो रिव्यू है वो भी मैं देने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो आई है थोड़े दिन के बाद, तो उसके लिए आप वेट करना, शायद इस वीक में जो है ये 4 वीडियो बना दूं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन JN यांगफो का। भाई पूछ रहे कि भाई आईफोन वाटर में डूबने के बाद कितने साल तक यूज कर सकते। देखिए भाई जितनी आपकी किस्मत अच्छी उतने साल तक आप यूज कर सकते। पहली बात अगर आप वाटर में रखेंगे तो खराबी होगा, वाटर रेसिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता है। अगर वाटर में गिरने के बाद जो है आपका फोन बच जाता है तो आप उसको आराम से यूज कर सकते जब तक आपका फोन चलेगा, जब नहीं चलेगा तो आपको जो है डेफिनेटली दूसरा आईफोन परचेस करना पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन SA एडिट्स का। भाई पूछ रहे कि आई वांट टू टेक 20W चार्जर फॉर आईफोन 11 बट इट सपोर्ट 18W ओनली, विल देर बी एनी डैमेज टू बैटरी हेल्थ फ्रॉम 20W। देखिए भाई 18W सपोर्ट करता है मतलब 18W की ही वो चार्जिंग आपके आईफोन 11 में करेगा, 20W मतलब उसको चार्ज कर सकते। रही बात बैटरी डैमेज की, देखिए भाई इतना वाट का आप यूज कर रहे हैं आईफोन के साथ में डेफिनेटली वो फोन हीट होगा। बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हीट। अगर आपका फोन होता है तो डेफिनेटली बैटरी हेल्थ की तो प्रॉब्लम होगी। इससे आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है 40-50% तक अपना जो फोन है वो गर्म ना हो तब तक उसको चार्ज करें, जैसे ही गर्म होने लगे थोड़ी देर रुक जाए आधा घंटा उसके बाद चार्ज कर सकते हैं, ऐसा जो है आप बैटरी हेल्थ को बचा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू मेंटेन बैटरी हेल्थ, उसके ऊपर उसके लिए वेट करिए। मैं काफ़ी सारे वीडियो जो सोच के रखा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि बीच बीच में जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मेरे को डालना पड़ रहा तो जो है शूट करना पड़ रहा है, तो वेट करिए काफी सारे वीडियोस आपको जो है चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाले आईफोन से रिलेटेड ही। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन अननोन गेमर YT का। भाई पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ आईफोन 11 128GB आफ्टर आईफोन 13 लॉन्च एंड कैन वी गेट टू सी चार्जर इन अपकमिंग फोन्स इन इंडिया लाइक ब्राजील। तो भाई पूछ रहे कि आप सबको मालूम होगा ब्राजील वाला क्या किस्सा, वहाँ पे जो है लेडी ने आईफोन 12 परचेस किया था, उनको चार्जर नहीं मिला तो डायरेक्ट जो है केस कर दिया, तो काफ़ी सारे उलझन के बाद जो है वो केस जीत गई और उनको आईफोन का जो चार्जर वो मिल गया और काफ़ी सारा हैवी चार्जर्स भी वो लगाने के लिए बोले थे लेकिन अभी तक तो वो कन्फर्म नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है हमारे को भी जो है केस वगैरह करना चाहिए आईफोन के ऊपर क्योंकि चार्जर नहीं दे रहे भाई, 2000 रुपये चार्जर देना पड़ा, दिल से बुरा लग रहा भाई। और 2000 रुपये अगर 500-600 का होता तो डेफिनेटली हम उसको बाय कर लेते लेकिन 2000 रुपये देना काफ़ी ज़्यादा जो है अलग ही दिख रहा। और रही बात 128GB का प्राइस क्या रहेगा, तो 45,000 तक मिल सकता है अक्टूबर के अंदर 128GB आईफोन 11। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन जेंटल गेमर का। भाई पूछ रहे कि ब्रो कैन आई वेट फॉर आईफोन SE3 व्हाट इट्स एक्सपेक्टेड डेट एंड ईयर प्लीज रिप्लाई। देखिए भाई इसका तो जो है इस साल ही आईफोन SE3 हमको देखने के लिए मिल सकता था लेकिन पैंडेमिक की वजह से जो थोड़ा सा डिले हो गया है, तो हमको नेक्स्ट ईयर आईफोन SE3 देखने के लिए मिल सकता है मार्च के अंदर 2022 के अंदर। और इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूँ एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की, तो हमको 45,000 से लेके 55,000 तक मिल सकता है क्योंकि आईफोन SE जो सेकेंड जनरेशन आता है 42,500 में आता, तो इस बार जो है अगर उसमें 5G आता तो डेफिनेटली उसका थोड़ा प्राइस तो बढ़ेगा ही। और उसके कुछ फोटोज वगैरह जो है कुछ दिन पहले बाहर है, कुछ महीने पहले बाहर आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है हमको आईफोन SE3 का जो लुक है वो देखने के लिए मिल सकता है। वही 4.7 इंचेस का इसका डिस्प्ले होगा, टच एडी सेंसर होगा, बैक में आपको एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। इसके बारे में तो जो है हमको आगे पता चलेगा जब जो है 2022 के में जो रूमर्स वगैरह आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन शुभोदीप विश्वास का। भाई पूछ रहे कि कैन आई यूज एप्पल वॉच विद वॉच ओएस 7 विद माय आईफोन दैट हैज iOS 13.7, If yes, then what feature will I miss? देखिए भाई आपको नए फीचर्स के लिए जो यूज़ करने के लिए नया जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि 14.6 चल रहा है तो आपको जो वो डेफिनेटली जो अपडेट करना पड़ेगा तभी आप जो नए फीचर्स आए हैं उसके अंदर वो आपको जो है यूज़ में आएंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन मोहम्मद फैयाज से का। भाई पूछ रहे हैं कि भाई SE 2020 बिलो 25 के देखने मिल सकता है क्या आईफोन 12s 13 के लॉन्च के बाद में, का तो नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ, आईफोन 13 का 13 भी हो सकता है, 12s भी हो सकता है। देखिए भाई लास्ट ईयर जो है 25,000 रुपीज़ में काफ़ी सारे लोग ने आईफोन SE परचेज किया था, तो इस साल भी पॉसिबल है बिग बिलियन डे सेल में कि हमको आईफोन SE 64GB वेरियंट
25,000-26,000 तक मिल जाना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन असनन का। भाई पूछ रहे हैं कि अमेजोन पे आईफोन 11 पर HDFC के कार्ड पे 7,000 का कैश बैक मिल रहा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए भाई आज ही नहीं कल ही मैंने एक वीडियो बनाई उसके ऊपर कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन जयंत कुमार का। भाई पूछ रहे हैं कि ब्रो क्या आप कभी आईफोन Amazon, Flipkart से लिए हो और बिग बिलियन सेल में iPhone 12 60 की का हो सकता है विदाउट कार्ड डिस्काउंट और अक्टूबर तक ऑफलाइन मार्केट में इसका प्राइस कितना होगा। सबसे पहली बात मैंने जो है अपना iPhone XR और मेरे दोस्त का जो iPhone XR है उन्हें भी जो है Flipkart से ही परचेज किया था मैंने उसको। और रही बात iPhone 12 60K में मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन उस पर HDFC के कार्ड के बाद जो है डिस्काउंट के बाद में आपको 60K में मिलेगा बिग बिलियन डे सेल में। और आपने पूछा है कि ऑफलाइन मार्केट में क्या होगा। देखिए भाई ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ $100 ही माइनस होगा। एग्जांपल आपको ऑफलाइन में जो है अभी जो है 80,000 रुपीज़ में मिल रहा है, $100 माइनस होता है 7,500 रुपये जो है डिस्काउंट होता है, तो वही आपको 72-70 तक मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिग बिलियन डे सेल से परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 60,000 में मिल सकता है आफ्टर HDFC के डिस्काउंट के बाद में। तो गाइस इतने ही क्वेश्चंस मैंने लिए थे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे थे। काफ़ी सारे लोग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो। धीरे धीरे आप जो वीडियो बड़ी करेंगे, एकदम मैं जो 25-30 मिनट की वीडियो बना दिया नबील भाई के जैसा तो जो है इतने व्यूज़ तो अपने को नहीं आने वाले। आप जो उसको देखेंगे मैंने उसकी रीच भी जो है कम हो जाएगी। तो देखते हैं हेलो जो है जैसा हमारा चैनल ग्रो होता है ज़्यादा क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसी वीडियो के नीचे आपका जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कल परसों मैंने जो iPhone 13 के ऊपर वीडियो बनाई हुई, एक्सेप्टेड प्राइस क्या हो सकता है और कब तक हमको iPhone 13 मिल जाएगा, कलर्स वगैरह के बारे में बताया है। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप गेमिंग आईफोन देख रहे हैं, बजट आपका 50,000 रुपये, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर नहीं देखे तो राइट पे क्लिक करो और बिग बिलियन डे सेल के बारे में जानना क्या प्राइसेस आने वाले हैं आईफोन के ऊपर, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लेफ्ट पे क्लिक करो।